हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द माय न्यू व्लॉग। तो हम आ चुके हैं सीधा स्टैचू ऑफ यूनिटी। दोस्त दिख नहीं रहा धुम्मस में, तो चलो दिखाता हूँ मैं पीछे से कैमरा करके। रे भैया, तो दिस इज़ द बिग स्टैचू ऑफ इन द वर्ल्ड सरदार पटेल दोस्तों। तो कैसा है रे भैया जी, मज़ा है? तो दोस्तों अभी थोड़ा धुम्मस है, तो अभी देखने नहीं जाएंगे, धुम्मस हटने के बाद देखने जाएंगे, क्योंकि अभी नाश्ता, चाय पानी, नाश्ता करेंगे, थोड़ा एनर्जी गेन करेंगे, उसके बाद जाएंगे। तो दोस्तों हम फाइनली पहुंच चुके हैं स्टैचू के एकदम करीब, देख सकते हो भाई साहब कितने नज़दीक है। अभी भी नज़दीक जाएंगे, अंदर जाएंगे और देखेंगे। तो दोस्तों आपको चलना नहीं है तो यहाँ पर रखा है आपके लिए, तो कोई बात नहीं, इसमें बैठ जाओ और वहीं पहुंच जाएंगे। ओह माय गॉड, कितनी बड़ी मूर्ति है, देखो दोस्तों भाई साहब क्या बात है, और इधर से कितना तगड़ा व्यू है भाई साहब। आओ कभी देखने, खुश हो जाएगा आपका दिल बिल सब कुछ। दोस्तों जो नज़ारा आप अपनी आंखों से देखकर यहाँ पर देख सकते हैं, वो कैमरे में कैद नहीं कर सकते, क्योंकि इतना ज़बरदस्त तगड़ा नज़ारा है भाई साहब। आओ तो बहुत ही मज़ा है, नहीं आओ तो भी क्या है, लेकिन ज़िंदगी में घूमो यार, हम भी घूमने ही आए, तुम भी घूमो कहीं कहीं, साल में एक बार तो कहीं घूमने जाना ही चाहिए, क्योंकि यार ज़िंदगी है, जियो जलसा से भाई साहब। और क्या बात है, क्या तगड़ा व्यू है। अरे भाई साहब क्या बात है, चेहरा देखो कितना खूबसूरत है भाई साहब, वाओ वेरी ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड। तो दोस्तों यार क्या ही बोलूँ, अच्छी जगह है। मैंने और एक बात बोलने के लिए ये वीडियो शूट किया है कि इंग्लिश मैंने बहुत फाड़ी है, लेकिन कई बार गलती हो सकती है, तो शायद दोस्तों माफ़ कर देना। ये सजेशन हमारा दिया है, हमारा देख सकते हैं युवराज गोयल वाला। तो दोस्तों हम आ चुके हैं लाइब्रेरी, वो भी डुप्लीकेट वाली, क्या बात है भाई साहब, डुप्लीकेट बना के रखी है इन लोगों ने। हम सरदार जी के चरणों में आ चुके हैं, और इधर से ये प्रतिमा देखने के बाद मुझे ऐसा ही लग फीलिंग आ रहा है कि ये हमारे ऊपर ना आ जाए, डर भी लग रहा है भैया जी, लेकिन कौन बात नहीं यार, इतना भी बुरा चीज़ से नहीं बनाया, नहीं गिरेगा। ओ भाई साहब, लगातार हम 2 मिनट तक इसको देखते रहेंगे ना नीचे से, तो हम पता नहीं क्या हो जाएगा। दोस्तों हम जा रहे हैं स्टैचू से सीधा जंगल सफारी, और शाम को आएंगे नाइट लाइट शो देखने के लिए। तो चलो दोस्तों मिलते हैं, कंटिन्यू व्लॉग में बने रहे, इसको कुछ नहीं आता। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं लाइट शो देखने के लिए, और टाइम हो चुका है 6 बज गया, और कब के घूमे जा रहे थे, टाइम पास कर रहे थे, और ये पीछे देख सकते हो बंदा क्या कर रहा है भाई साहब, किसी की वजह से झाड़ू कट गया हमारा, लेकिन कौन बात नहीं दोस्तों, तो चलो चलते हैं और नाइट लाइट शो देखते हैं। अरे भाई सब तुम फेंकते हो, हम नहीं। तो दोस्तों फाइनली हमें सीट मिल चुका है, और अभी 7 बजे शुरू होगा लाइट एंड नाइट शो, तो चलो दोस्तों देखते हैं यहाँ पे कैसा रहता है। और भाई साहब तुम हो जाओ थोड़ा, भाई साहब इधर पे बैठे हुए, इधर से अच्छा लुक दिखेगा, जब शुरू होगा तब देखेंगे। तो दोस्तों व्लॉग में बने रहे कंटिन्यू। तो दोस्तों देख सकते हो लाइटें शुरू हो चुकी है चारों ओर, भाई साहब क्या बात है, देख सकते हो। अरे भैया जी क्या नज़ारा है तगड़ा वाला, मोबाइल में इतना अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप इधर पे आओगे लाइव देखोगे तो बहुत ही बढ़िया मज़ा आएगा, तो आओ कभी रे। तो दोस्तों लाइटें सभी बंद हो चुकी है, और इधर पे शुरू हो चुका है लाइट नाइट शो। अरे भाई साहब क्या बात है, ओ भाई साहब। तो दोस्तों फाइनली हम आ चुके हैं रेलवे स्टेशन, और लाइट शो तो बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही बढ़िया था, तो आप भी आओ यार, बहुत ही तगड़ा है पूरा सब कुछ, मैं तो वीडियो में नहीं दिखा सकता, लेकिन लाइव में जो आप अपनी आंखों से देखोगे वो बहुत ही बड़े है, तो ज़रूर आओ दोस्तों। अब देखते हैं हमारा ट्रेन कब आता है, 9:30 बजे का है अभी तक, तो 8:30 बजे, तो अभी 1 घंटा वेट करना है, तो चलो दोस्तों कुछ खाते पीते और जलसा करते हैं। फुल्ली हाई फाई बोलते पब्लिक। तो दोस्तों हम आ चुके हैं ट्रेन में, तो अब सफ़र करेंगे बड़ौदा का।